वो बात मानते हैं। अयोध्या वालों की वजह से गलती हुई, उन लोगों ने वोट नहीं दिया, वोट उन्होंने अपने हिसाब से, अपने जो उम्मीदवार चुने वो अपने हिसाब से सही चुने। सही वह काम गलत किया, हार गया और क्या काम किया, कुछ नहीं किया। गरीबों को परेशान कर दिया है। 10-15 हज़ार का चलान जो रहा, गाड़ी चलने नहीं दे रहे हैं, इधर उधर बड़ी गाड़ी कोई नहीं अंदर जाने दे रहे हैं। यही वजह है? हाँ यही वजह है, कमाई नहीं हो रही है। चालान कटता है 11-11 हज़ार का, 22-22 हज़ार का। बोलते हैं बाहर बाहर ले जाओ, कहाँ के हो तुम, अयोध्या के एकदम इसी थाने के हो तो चलाओगे, नहीं चलाओगे। तो जब मेरे को सरकार परमिट दिया था तो ये तो नहीं बताया था ना। यहाँ अधिकारियों का हमारे आदेश है जी कि जो गाड़ियाँ कोतवाली के अंतर्गत और ये भी थाने के अंतर्गत निवास करती हैं वही गाड़ियों का प्रवेश दिया जाए, बाकी गाड़ियाँ अपने अपने फैजाबाद गाड़ियाँ फैजाबाद चलाएं। नहीं जाने दिया गया और फिर वहाँ गए रास्ते में से हनुमानगढ़ी में भी नहीं जाने दिए, वहाँ भी लौटा दिए। अब वैसे में आए वैसे में जा रहे हैं, फिर बिना दर्शन किए, बिना दर्शन किए क्या करेंगे हम। सर यहाँ से हमारा घर 30 किलोमीटर दूर है, हम अभी रास्ता बंद है, इस वजह से हम अभी फंसे हुए हैं यहाँ, 2 घंटा हो गया जी। अभी हम घर जाने की तैयारी में थे लेकिन रास्ता बंद है, इस वजह से घर नहीं जा सकते। इनको रोकते हैं कहीं जाने के लिए, मना करते हैं। अगर हमें घर जाना हो तो हम अपने घर पर भी नहीं जा सकते, ऐसा होता है। कभी कभी हम ऐसे फंस जाते हैं जैसे पाकिस्तान में बॉर्डर में होते हैं ना, ऐसा हाल हो जाता हमारा। हम 2-2 घंटे ऐसे कहीं फंसे रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है, NMF न्यूज़ देख रहे हैं आप। अयोध्या लोकसभा सीट जो भारतीय जनता पार्टी गंवा चुकी है, 4 जून को रिजल्ट आया था, तकरीबन 3 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अयोध्या चर्चाओं में है। अयोध्या कई वजह से चर्चाओं में है, खासतौर से यहाँ का जो प्रशासन है और उनकी वजह से चर्चाओं में है, क्योंकि जो हार का जो असली ठीकरा फोड़ा जा रहा है वो प्रशासन के रवैयों को बताया जा रहा है। इसके अलावा जिनके घर टूटे थे उनकी वजह से हार की वजह बताई जा रही है, और ख़ास तौर से ये भी कहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अयोध्या सीट जो है बीजेपी गंवाई है, यहाँ पर जीत मिली है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है यानी कि अर्थव्यवस्था है अयोध्या की, उस पर भी काफ़ी गहरा असर पड़ा है। 3 हफ्ते हो चुके हैं और जिस अयोध्या में कुछ समय पहले लाखों की भीड़ जुटती थी, करीब 2.5-3 लाख लोग दर्शन करने आते थे, अब वो संख्या सीधे करीब 50,000 1 लाख 1.25 लाख के आसपास हो गई है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये एंट्री गेट है, सूर्यस्तंभ आप देख रहे होंगे, और ये वही क्षेत्र है बाईपास का चौराहा है जहाँ पर इतने ज़्यादा लोग आते थे, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ आपको दिखाई देती थी जो कि शायद कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता होगा। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो हमारे तमाम रिक्शे वाले भाई लोग हैं जो कि इस वक्त सवारी का इंतज़ार कर रहे हैं, भक्तों का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इनको सवारी नहीं मिल रही है। और ऐसे में देखा जाए तो ये जो सन्नाटा है वो कहीं ना कहीं हार की वजह भी जो है बनता जा रहा है। और कई लोगों ने सोशल मीडिया पर ये भी कहा था, भाई मैं कहीं और चला जाऊंगा लेकिन अयोध्या नहीं जाऊंगा, अयोध्या जाऊंगा भी तो वहाँ पैसे नहीं खर्च करूंगा, मतलब मैं ट्रैवल नहीं करूंगा, वहाँ की चीज़ों को खाऊंगा नहीं। तो ऐसे में वहाँ की अर्थव्यवस्था पर जब वहाँ के लोकल लोगों को चोट पहुँचेगा तो शायद हो सकता है ज्ञान आए। तो ऐसे में ई रिक्शा वालों से मैं बातचीत करूँगा, कुछ ऑटो वाले भाई लोग भी हैं, जानूंगा कि आखिरकार पहले में और अब में कितना फ़र्क नज़र आया है। और जब सवारी यात्री आने के जो दर्शन करने आते हैं, जब वो बैठते हैं आपके ऑटो में या ई रिक्शा में, तो क्या वाकई में वो हार वाला जो दुख है अपना प्रकट करते हैं? तमाम सवाल जवाब होंगे। एक भैया, इनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या हाल है भैया? ठीक है भाई साहब। भैया एक बात बताइए, 4 तारीख को जब रिजल्ट आया था उससे पहले का माहौल तो एक राममय था, लोग कहते थे कि ये सीट निकली हुई है और प्रचंड जीत होगी। हालांकि रिजल्ट कुछ भी रहा हो लेकिन अयोध्या सीट का हारना कहीं ना कहीं दुखदाई है। अभी भी 3 हफ्ते बीत चुके हैं लेकिन अयोध्या का जो गम है हार का वो लोग भुला नहीं पा रहे हैं। ये बताइए कि आपकी कमाई पर कितना असर पड़ा है? हमारी एक तो गर्मी की वजह से इतना पब्लिक जो है कम हो गई, इतना गर्मी था। दूसरी बात, थोड़ा इससे प्रॉब्लम पड़ हो गया रिजल्ट आने के बाद। और तीसरा प्रॉब्लम है कि जो हर जगह चौराहे पर बंद कर रखे हैं, रिक्शा वाले जाने नहीं पाते हैं, उनकी जो गाड़ियां हैं आई हैं ठेका पर वो चल रही हैं। मतलब जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं अपनी मनमानी अभी भी दिखा रहा है, हार के बाद भी आंखें नहीं खुली हैं और इतना सब होने के बाद। ये बताइए आपका जो ये रिक्शा है, आप बाईपास पर खड़े हैं तो बाईपास पे यहाँ से आपकी एंट्री कहाँ होगी, मतलब कहाँ से आप जा सकते हैं? इधर आप जा सकते हैं, इधर वो बंद कर रखे हैं, सामने देख लीजिए, ये सामने जो बैरिकेडिंग लगी है ज़रा दिखाइए कि बैरिकेडिंग के जरिए जो है यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है, यानी कि ना ऑटो वाला जा सकता है ना रिक्शा वाला जा सकता है। आप ज़रा सोचिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी है, अगर मैं बात करूँ, करीब 1 किलोमीटर है ना भैया जो लता मंगेशकर, 1.5 किलोमीटर होगा। अब अगर कोई यात्री अपनी गाड़ी लेकर नहीं आया है जो दर्शन करने आया है तो उन्हें भी कहीं ना कहीं असुविधा होगी तो भाई मन में निराशा होगी, दिक्कत होगी, और इतने सारी रिक्शा ऑटो होने के बावजूद अगर एंट्री नहीं होगी तो तकलीफ होगी। तो ये बताइए, अंदर एंट्री आपको नहीं देने दिया जा रहा है? अब एंट्री यही है आपके सामने। कब से ये दिक्कत है? ये तो शुरू से है, जब से चल रहा है, जब से इनकी बसें चली हैं, जब से ये हो रहा है।
दिन में भी बंद रहता है, कभी कभार जब ज़्यादा गर्मी होती है तो खोल देते हैं। मतलब ये है कि ट्रैफिक हो या ना हो, जैसे अभी सन्नाटा भीड़ है उतनी दिखाई नहीं दे रही है, हाँ, तो अभी भी वही हाल है। वो आपके सामने देख लीजिए, आपके सामने है, वो कहने की क्या बात। कमाई पे कहीं ना कहीं काफ़ी असर पड़ा, असर तो बहुत है। कब से कब चलाते हैं आप ई रिक्शा अपना? हम तो नई मंदिर बना था जब भी चला रहे थे और आज भी चला रहे हैं, लेकिन अब आज के समय में फ़िलहाल में यूपी 43 नंबर और अयोध्या दोनों सटा ही बॉर्डर है, जो 1 किलोमीटर के दायरे 1.5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं उनको एंट्री नहीं दिया जाता है अयोध्या में। बताइए वो कहाँ जाएंगे? लोकल लोगों पे ही जो है ये अत्याचार हो रहा है। हाँ, तो ये जो ठीकरा है, जैसे आप परेशान हैं, आप तकलीफ में, तो यही वजह रहा कि ये परेशानी तकलीफ कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आया उसमें भी दिखने को मिला? वही तो सामने है, वो तो सामने है भाई, हर एक चीज़ तो सब नहीं सॉल्व हो सकती है ना, तकलीफ सबको है। क्या चाहेंगे? ये अयोध्या हार गए वो भी तकलीफ है, और जो ये रिक्शा वाले नहीं चला पा रहे हैं वो भी तकलीफ है। मतलब ये रिक्शा वालों के साथ बहुत गलत है। हाँ, क्यों गरीबों को ये रोज़गार देना था ना, तो ये रोज़गार छीन ही जा रही है। रोज़गार छीन। और ये बताइए, जब कोई बैठता है आपसे तो सवाल जवाब करता होगा कि भैया क्यों हरवा दिया आपने, तो क्या बताएं उनको? भाई गर्मी है, क्या करें? नहीं, हरवाने वाली बात, जैसे यात्री आता है बैठता है, हम अंदर नहीं जाने पाएंगे तो यात्री को परेशानी होगी, उसके 10 के बजाय हम 20 मांगेंगे, भैया नहीं जाने दे रहे हैं, उधर से घूम के जाएंगे, हम इतना लेंगे, तो उसको दुख नहीं होगा? तो कहीं ना कहीं काफ़ी असर पड़ा है। हाँ, बहुत असर पड़ा, बहुत यात्री कम होंगे। अभी कब तक आप चलेंगे रात में? अब ये तो हम सुबह तक रहेंगे, जब खुलेगा, जब चलाएंगे नहीं, इधर घुमा के खड़ी करेंगे, क्या करेंगे। चलिए और दूसरे भैया से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी कृष्णा नाम। भैया एक बात बताइए, रिजल्ट आया 4 जून को, 3 हफ्ते बीत चुके हैं, क्या लग रहा है? वो गम जो है, जो भुलाने की बात होती है, कहते हैं कि वक्त बीतता है तो समय के साथ सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, अभी भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो दर्शन करने आ रहे हैं उनके मन में ये दुख है, ये इस चीज़ का? हाँ जी, हाँ जी, इसका दुख है। दुख है ना? हाँ जी। और मुझे लग रहा है उसका दुख जो है वो आप पर भी फूट रहा है, क्योंकि कमाई पर असर पड़ रहा है। वो अयोध्या में हर जगह पर पहुँच रहा है, हर जगह पर पहुँच रहा है, राशन से लेके हर दुकान से लेके और जितने भी गाड़ियाँ चल रही हैं सब पे हो रहा है सब व्यवस्था। अच्छा, और अभी जैसे पहले में और अब में कितना अंतर है? जैसे जो भीड़, प्रचंड भीड़ दिखाई देती थी जी, पहले ऐसा व्यवस्था रहता था। अच्छा, चालान भी काटा जाता है? हाँ जी, हाँ जी, जगह जगह चालान कट रहे हैं, गाड़ी के सब कुछ कागज होने के बावजूद कभी इंश्योरेंस ख़त्म हो गया है तो उसके लिए कहीं, अगर अभी यहाँ खड़े हैं, अभी यहाँ पर आके चालान काट देंगे, बहुत सारी समस्याएं हो रही है, बैटरी वाले या अदर कोई भी, सबके लिए प्रॉब्लम है इस समय। अच्छा, तो अगर कोई भी सवारी आ रही है यहाँ पे और उसको उसके स्थान तक नहीं पहुँचा पाओगे तो वो गाड़ी नहीं इस्तेमाल करेगी आपकी, तो गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेगी तो हम लोगों का दुकानदारी यहाँ पे, जो हम गाड़ी लेके बैठे हैं, एक एक 1.5-1.5 लाख रुपए के जो गाड़ी लगा के खरीद के ईएमआई भी जाती होगी, तो उसका ईएमआई ही नहीं दे पाएंगे, तो हम लोगों के ऊपर ही ज़्यादा परेशानी आ रही है। यहाँ पे जो जैसे कि राजनीति में जो है, सरकार चेंज हुई है, सरकार चेंज हुई वो बात मानते हैं, अयोध्या वालों की वजह से गलती हुई, उन लोगों ने वोट नहीं दिया, वोट उन्होंने अपने हिसाब से, अपने जो उम्मीदवार चुने वो अपने हिसाब से सही चुने, लेकिन यहाँ के हिसाब से सही नहीं चुने हैं, जो पब्लिक आ रही है उनके हिसाब से सही नहीं चुने हैं, और पब्लिक के हिसाब से अगर सही नहीं चुना गया है तो उसमें बैटरी वालों की क्या गलती है? बैटरी वाले तो कहीं कहीं से आते हैं, अपनी बैटरी चला रहे हैं, वो कहीं से भी आ रहे हैं, ये नहीं कि अयोध्या से ही हैं, वो जैसे यहाँ फैजाबाद हो गया, गोसाईगंज हो गया, गोंडा हो गया, अकबरपुर हो गया, दूर दूर से आ रहे हैं वो, तो उन पे ये लागू क्यों हो रहा है? हमारे कहने का मतलब है उन पे लागू होना नहीं चाहिए ना, यहाँ पे बसें चल रही हैं, बड़ी बसों को बसें चलना चाहिए, लेकिन अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो इलेक्ट्रिक बसें हैं जो नगर निगम की तरफ से चलाई जा रही हैं उसे एंट्री मिलती है, आप सोचिए ज़रा ई रिक्शा में और उनमें कितना फ़र्क है, मतलब वो स्पेस भी घेर के चलती हैं, लेकिन वो सरकार की है तो भाई वो चल रही हैं, और रही बात जो ई रिक्शा है जो खुद के लोग अपना चला रहे हैं, उस बस से नहीं जाम लगता है, रिक्शे वाले से जाम लग जाता है, तो रिक्शे वाले से जाम लग जाता है, रिक्शा का कहीं रूट अलग दे दीजिए चलने के लिए, लेकिन ये रोका क्यों जा रहा है? 10,000-20,000 का चालान काट दिया जा रहा है, ये क्या चीज़? और मुझे कहाँ का ये जो प्रशासन ने जिस तरीके से अपना अत्याचार दिखाया है इसी वजह से जो है यहाँ पर नुकसान हुआ है तो ये तो होगा जी यही हुआ है। हाँ जी, यही सारी व्यवस्था है, अगर हम सही स्थान पे नहीं पहुंचा पाएंगे तो यही व्यवस्था होगा, वही को सब लोग चाहते थे, लेकिन यही जो है अत्याचार प्रशासन की वजह से। क्या नाम है दोस्त? विशाल उपाध्याय। विशाल भाई ये बताओ कि जैसे अभी हालात
एकदम सन्नाटे वाला है, जो अयोध्या पहले थी उस अयोध्या में अभी काफ़ी अंतर दिखाई दे रहा है। हाँ। भीड़ कम दिखाई दे रही है, आप लोग भी रिक्शा ऑटो चला रहे हैं और कहीं ना कहीं एंट्री नहीं मिल रही है, क्या लग रहा है हार की वजह जो रही है वो यही रहा कि प्रशासन ने अपनी मनमानी दिखाई? हाँ यही है, यही वजह है। हाँ यही वजह है, कमाई नहीं हो रही है, चालान कटता है 11-11 हज़ार का, 22-22 हज़ार का। समस्या सर यही है कि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर सवारी को उनके स्थान तक नहीं कोई पहुँचा पाएगा या प्रशासन वहाँ तक नहीं जाने देगी तो सवारी जो यहाँ पे पैसेंजर आ रहे हैं, जितने भी पब्लिक आ रही हैं, वो यही सोचेंगे कि जब हमें पैदल ही जाना है, हमें धूप में परेशान ही होना है, तो हम क्यों जाएँ वहाँ पर। सही कहते हैं, वो भी आ रही है, कितनी दूरों से आ रही है, कहीं केरल से आ रही है, कर्नाटक से आ रही है, तमिलनाडु से आ रही है, देश के विभिन्न राज्यों से आ रही हैं, लेकिन वहाँ से आने के बाद यही सोच रही है कि हमें सुविधा मिलेगी, यहाँ सुविधा नहीं मिल रही है इस समय। सही कह रहे हैं, मतलब ये है कि आप लोग तो परेशान नहीं, यात्रियों को भी परेशान किया जा रहा है। को भी परेशानी है, यात्री भी परेशान, हमें परेशानी है तो यात्री भी परेशान होंगे। 500 मीटर अगर वो पैदल चल के बस पकड़ेंगे तो उनको परेशानी है या नहीं है? अगर वो रूम ले रहे हैं कहीं पे, रूम ले रहे हैं 500 मीटर 1 किलोमीटर की दूरी पे रूम ले रहे हैं, तो बस हर गली में तो जाएगी नहीं, अगर बस नहीं जाएगी तो पब्लिक को परेशानी है या नहीं है दोबारा आने में वो सोचें। हाँ जी, आइए बात करते हैं। क्या नाम है भैया? क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम मुरली पांडे भैया। मुरली भैया, एक बात बताइए कि जो अयोध्या सीट गंवाई है बीजेपी ने खास तौर से, और अयोध्या चर्चाओं में अभी भी 3 हफ्ते बीत चुके हैं लेकिन दर्द जो है वो हार का वो कम नहीं हुआ है, ये बताइए कमाई पे काफ़ी असर पड़ा है क्या आपके? बहुत सारा पड़ा है सर जी, बहुत असर पड़ा है जी सर। तो मतलब जो पहले हाल थे वो अभी वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, पहले जैसा अभी कोई नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, जो सन्नाटा पसरा हुआ भीड़ पसर जो दिखाई नहीं दे रही, कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि जो भक्तगढ़ है उनके मन में तमाम चीज़ें हैं अयोध्या को लेकर के? ये तो नहीं मालूम है साहब जी। लेकिन कमाई पर कैसा असर दिखाई दे रहा है? मैंने सुना कि यहाँ प्रशासन काफ़ी गलत रवैया आप लोगों के साथ कर रहा है, चालान काट देता है। नहीं ऐसा हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन प्रशासन तो जो करना है वो तो कर ही रही है सर। कर ही रही है जी सर। तो ये कहीं ना कहीं इसकी तकलीफ है आपको? अभी आप समझदार हैं सर, समझ जाइए। ठीक है, खुलकर नहीं बोल रहे भाई लोग क्योंकि सबकी अपनी अपनी परेशानी है। और आइए ऑटो वाले भैया से बात करते हैं कि कैसे हालात हैं। क्या नाम है भैया? ब्रजेश तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए कि जैसे आप ऑटो चला रहे हैं और ये बताइए कि पहले में और अब में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? 4 जून को रिजल्ट आया, बीजेपी ने ये सीट गंवा दी और कहीं ना कहीं वो हार यहाँ की जनता पचाए या ना पचाए लेकिन जो भक्तगढ़ आ रहा है वो पचा नहीं पा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उसका असर भी बिजनेस पर देखने को मिल रहा है। क्या लग रहा है, वाकई में गिरावट आई है? सबसे तगड़ा यहाँ प्रशासन का सबसे वो है। प्रशासन जैसे हमारा गाड़ी है, सारा कुछ कागज हमारा बेल कंप्लीट है, पूरी परमिट है हमारी, तब भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ परेशान किया जा रहा है और कोई नहीं, प्रशासन ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। प्रशासन जी, मतलब ये है कि पूरी तरीके से लोग कहते थे कि भाई यहाँ पे मंदिर बनेगा, यही वजह है कि जो यहाँ से भाजपा हारी है। तो कुल मिला के भाजपा के हार की वजह सबसे बड़ा अगर देखा जाए अयोध्या सीट पर खासतौर से, तो प्रशासन की जी 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 है जी प्रशासन की नाकामी है समझ लो। तो आप ये बताइए आप अंदर कहीं भी नहीं ले जा सकते ऑटो? नहीं, कोई कहीं नहीं है, बैरिगेटिंग से अंदर नहीं जाने देते। और पूरा कागज है मेरा, बेल कंप्लीट कागज है यहाँ की, मेरी परमिट है, लाइसेंस है मेरा। क्या सब बोलते हैं भाई ये लोग जो पुलिस वाले हैं, जो अधिकारी लोग हैं, क्या बोलते हैं? बोलते हैं बाहर बाहर ले जाओ, कहाँ के हो तुम, अयोध्या के एकदम इसी थाने के हो तो चलाओगे, नहीं नहीं चलाओगे। तो जब मेरे को सरकार परमिट दिया था तो ये तो नहीं बताया था ना कि नहीं वहीं का मिलेगा, 16 किलोमीटर में क्या अयोध्या थाना नहीं आता? लेकिन नहीं चलने देते, अब ये प्रशासन की है मनमानी नहीं है। आप बताओ, न्यायालय हमको कुछ देता है, पुलिस वाले कुछ देते? जो भीड़ दिखाई देती थी, वो जो लहर थी, वो अभी नहीं दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं सन्नाटा है जी। सन्नाटा रहेगा ही, जब ऐसे आने जाने नहीं देंगे लोगों को, परेशान करेंगे कि जाना इधर है, बताएंगे हम ही सब ना रास्ता, जो बाहर के लोग आते हैं हम ही सब लोग तो शिफ्ट करते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो जब लेके नहीं जाएंगे तो पुलिस वाले कहाँ से आते कहाँ से नहीं आते इनको क्या पता। तो कहीं ना कहीं वजह जो है बहुत बड़ी है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ के जो बाकी लोग हैं वो तो परेशान हैं ही, ये रिक्शा वाले हुए और जो कामकाज करने वाले लोग हैं, बाकी वैसे लोग भी यहाँ पर इसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। क्या नाम है? विशाल।
भैया 4 जून को रिजल्ट आया, हार हुई है करारी। अयोध्या अभी भी कहीं ना कहीं चर्चाओं में, 3 हफ्ते बीत चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ परेशानी है। 4-4 गाड़ी बुक करा कर लेकर आए हैं, अगर जो ये लोग नहीं जा पाएंगे अंदर तो इन लोगों को तकलीफ नहीं होगा। चलिए, क्या नाम है? रामकरण। कहाँ से आए हैं? ये हरैया महाराजगंज से। अच्छा, और आपको दर्शन करने हैं? दर्शन रिक्शा जाने दिया जा रहा है? नहीं जाने दिया गया, और फिर वहाँ गए रास्ते में से हनुमान गढ़ी में भी नहीं जाने दिए, वहाँ भी लौटा दिए। अब वैसे में आए वैसे में जा रहे हैं, फिर बिना दर्शन किए? आप बिना दर्शन किए क्या करेंगे? देखिए ये भक्त है, खैर इनकी लेकर के आए हैं और अंदर तक नहीं जाने दिए। हम लोग वहाँ से देखिए पूरे लोग हैं, देखिए परिवार में भी बहुत अंदर नहीं जाने दिए, सब बच्चे हैं। ये देखिए बच्चे लोग हैं और ये लोग दर्शन करने आए थे बगल के बस्ती महाराजगंज। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मिथिलेश है। ये बताइए, अयोध्या सीट में वैसे हार हुई थी, आपको भी पता है अयोध्या हार गई थी चुनाव में, लेकिन कहीं ना कहीं अब कई चीज़ें निकल कर सामने आ रही, जैसे ये भाई लोग हैं रिक्शा वाले कह रहे हैं कि अंदर जाने नहीं दिया जाता, हम लोग परेशान दे रहे हैं भैया, अंदर नहीं जाने दे रहे, हम लोग दर्शन भी नहीं किए वैसे लौट के आ रहे हैं। कब आना हुआ आपका? शाम को आई? हम लोग शाम को नहीं आए, हम लोग आए 4 बजे से। हाँ, क्या मतलब? अच्छा, पैदल काफ़ी दूर है, 1.5-2-3 किलोमीटर है, मुझे लगता है चलने में तो दिक्कत होगी। अब बच्चे हैं, चलने में दिक्कत नहीं होगा? बहुत ज़्यादा दिक्कत है चलने में, हम लोग का दर्शन भी नहीं हुआ ऐसे लौट के भी आ रहे हैं। पूरे चौराहे कहीं नल नहीं है पानी पीने के लिए, कहीं और 20-20 रुपये पानी लीजिए पीजिए, कहीं एक भी पानी पीने के लिए स्थान नहीं है ना इस चौराहे कहीं भी, एक भी पानी पीने के लिए कहीं टोटी लगा नहीं है, और जो है वो खराब पड़ा है। हाँ, लगा वो खराब है पानी के लिए। क्या नाम है आपका? आस्था। आप कहाँ से आई है? साथ में फैमिली? हाँ, साथ में। दर्शन हुआ आपका कि नहीं हुआ अभी? किसी का नहीं हुआ है, सब लोग वापस आ रहे हैं रास्ते से ही। जाने नहीं दिया जा रहा? नहीं, कोई भी व्हीकल्स नहीं जा रहे हैं। क्या मन में है, मतलब निराशा है? दुख तो हुआ होगा कि दर्शन नहीं किए भगवान का? बहुत निराशा ही रहेगा, खुशी से थोड़ी जाएंगे। पहली बार आना हुआ है? पहले भी आई थी? फर्स्ट टाइम ये सबका। अभी कहाँ जा रहे हैं? वापस घर? सब घर ही जा रहे हैं, रहने के लिए जगह भी नहीं है, कहाँ रहेंगे? घर पे नहीं जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, परिवार के साथ इनका आना हुआ था दर्शन करने के लिए, लेकिन फिलहाल प्रशासन के रवैये की वजह से, और कहीं ना कहीं बच्चे हैं और युवा लोग हैं छोटे मोटे, तो मेरे ख्याल से परेशानी तो होती है दर्शन करने में, 1.5-2-3 किलोमीटर पैदल चल पाना बहुत मुश्किल है, खासतौर से इस गर्मी में। आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं, यहाँ पर तमाम रिक्शा वाले लोग हैं। क्या नाम है भाई? भैया मनमोहन उपाध्याय। मनमोहन भैया, आप रिक्शा चलाते हो? जी भैया। ये बताओ कि अभी क्या गिरावट, जैसे तमाम तकलीफें मैंने देखी भाई साहब, सबकी अपनी अपनी परेशानी है, आप लोग का भी हाल बेहाल है, लेकिन क्या लग रहा है कि जो रवैया है प्रशासन का वही वजह रही हार की यहाँ पर? नहीं भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, फिलहाल हम लोग चलते हैं, प्रशासन ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रही है। फिलहाल बाहरी गाड़ियों को जो करा जा रहा है, जो बाहर के लोग हैं, गाड़ी का कागज़ मजबूत होना ज़रूरी है, अपना लाइसेंस जरूरी है। कमाई में ये बताइए, कमाई में गिरावट आई, जैसे यात्री अभी कम नज़र आ रहे हैं जी, तो वो कहीं ना कहीं भैया ये गर्मी का माहौल, गर्मी की वजह से भी यात्री कम है, इसलिए बंद है, गर्मी से भी यात्री कम। बरसात वाला मौसम नहीं, बरसात का मौसम होगा तब देखा जाएगा सवारी कैसा होगा कैसा, अभी आज का जो है तो देखा जाए। अच्छा जी, क्या नाम है? अजय यादव। रिक्शा आप भी चलाते हैं? हाँ। क्या लग रहा है अभी, कैसी कमाई है, कैसा माहौल है? अरे सर, कमा की हुआ था, फिर क्या चलान हरदम कर रहा था, रास्ता बंद कर दिया। अच्छा। हाँ, तो आप लोग इधर ही आसपास रहते हैं, 1-2 सवारी 2-3 सवारी मिलते हैं, मतलब अंदर नहीं जा पाते? नहीं, अंदर नहीं जाने देता। अच्छा, यहीं बाहर खड़े रहो। अभी कब से दिक्कत चल रहा है? अरे ढेर दिन से हो रहा, ज़्यादा दिन से चल रही है, जब से मंदिर बना था तब से गाड़ी अंदर नहीं जाने देता। क्या लग रहा है, यही वजह रही कि बीजेपी को यहाँ पर हार मिली है, क्योंकि प्रशासन? अरे तो बहुत दिक्कत हो रहा। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से बात करते हैं यहाँ पर। क्या हाल है दोस्त? बढ़िया। ये बताओ कि अभी क्या माहौल है, कमाई उमाई का कुछ असर पड़ा है या काफ़ी? भैया दिन भर हम सब सत्यार ऐसे बैठे रहते हैं, पुलिस प्रशासन द्वारा हम सबको तंगीकरण किया जा रहा है और बार बार चालान किया जाता है, हम सबको परेशान किया जा रहा है, दिन में कोई रिक्शा चालक के लिए दिक्कतें खड़ी करते हैं, परेशान करते हैं, ना कोई आवागमन रहता है, बाकी इनकी जो नगर पालिका वाली जो सारी बसें हैं और क्या नाम है गाड़ियाँ हैं वो चलने का उनका परमिशन है, बाकी रिक्शा का कोई परमिशन नहीं है, हम सबको बार बार तंगीकरण किया जा रहा है और चालान काटा जा रहा है। मतलब ये है कि जो नगर निगम करवा रही है, जो भी अपना अलाउ करके गाड़ी वाड़ी चलवा रही है, वो चल रहा है सब कुछ? हाँ, उसका पासिंग है भैया, लेकिन ई रिक्शा का पासिंग नहीं है, पुलिस प्रशासन द्वारा बार बार चालान किया जाता है, तंगीकरण किया जाता है, हर कोई गरीब अपने पेट जलाने के लिए आजीविका जो है उसको बंद कर दिया जा रहा है, हम सब बहुत परेशान हैं इस बात को लेकर।
इसके लिए आप लोग कुछ एक्शन मतलब लिए? रिक्शा अध्यक्ष जो हैं वो बार बार प्रेरित करते हैं, लेकिन रिक्शा अध्यक्ष का कुछ चल नहीं पा रहा है। दिक्कत इस बात का है कि यहाँ कोई एकता का वो माहौल दिखाई नहीं दे रहा है। बार बार प्रशासन जब तंग करती है, प्रेशर पड़ता है, तो आदमी करेगा क्या? इसी बात को लेकर सब लोग कहीं ना कहीं जो गम है एक तरीके से वो आप लोग भी उतर रहे हैं। चुनाव का माहौल मेरे को नहीं पता है मुद्दा, ये सब चुनाव को लेकर कोई बात नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन थी उसमें कहीं ना कहीं अंतर तो हुआ है पहले। हाँ, भीड़ में अंतर तो हुआ है भाई, पर फर्क प्रभाव तो जरूर पड़ा है। क्या नाम है? सनोज सिंह। सनोज भाई, एक बात बताओ कि अभी क्या माहौल है? इस सीट पर हार हुई है और कहीं ना कहीं 3 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी अयोध्या चर्चाओं में है। सबसे ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, लोग आ नहीं रहे हैं दर्शन करने के लिए, और कहीं ना कहीं सन्नाटा पसरा हुआ है। और खैर, यहाँ पे जो माहौल है वो भी ऐसे ही कुछ दिखाई दे रहा है। क्या असर हुआ है मतलब हार जीत पे? असर तो बहुत है। यहाँ पे जो दर्शन करने आते हैं उनको राम मंदिर या हनुमानगढ़ी जाने में तकलीफ़ बहुत होती है। किधर से भी जाएंगे आप, रास्ता आपको बंद मिलेगा, ऑटो वाले जा नहीं सकते हैं। अच्छा, कौन जा सकता है? ये जो VVIP जो चल रही है, बैटरी वाली बसें हैं, वो जाती हैं, वो भी उसमें यात्रियों को खड़े होके जाना पड़ता है। जहाँ ट्रैवलर और VVIP गाड़ी वो निकल गई है, अब देखिए ज़रा, तो वैसी गाड़ियों को जाने दिया जाता है? हाँ, उन गाड़ियों को जाने दिया जाता है, और जो ई रिक्शा चालक हैं, ऑटो वाले हैं, ये सब नहीं जा सकते हैं। अच्छा, अंदर क्या ई रिक्शा वगैरह और चल नहीं रहे होंगे? मतलब जो अंदर वाले हैं वही चला रहे होंगे? अंदर वाले शायद चला रहे हैं, जो यहाँ की लोकल ID जिसके पास है वो चला से। हम सर यहाँ से, हमारा घर 30 किलोमीटर दूर है, हम अभी रास्ता बंद है, इस वजह से हम अभी फंसे हुए हैं यहाँ, 2 घंटा हो गया। अच्छा। जी, अभी हम घर जाने की तैयारी में थे, लेकिन रास्ता बंद है, इस वजह से घर नहीं जा सकते। इधर से भी बंद है लोलपुर वाला, हमारा घर नवाबगंज से 15 किलोमीटर आगे है। हाँ, अभी रास्ता खुलेगा तभी जा सकते। जो भारी है अयोध्या, वो उसका असर देखने को मिल रहा है, और कमाई उमाई पे भी जो है? कमाई पे सर बहुत बुरा असर है। हाँ, अब ये जो सरकारी गाड़ियाँ चल रही हैं, कमाई उनकी दुगनी हो गई है, हम लोग की कमाई ख़त्म हो गई। भक्त लोग आते हैं, आप लोगों से सवाल पूछते होंगे कि क्यों हरवा दिया आपने, ऐसा सवाल तो ज़रूर करते होंगे? नहीं, ये सब सवाल तो किसी ने नहीं किया सर। हाँ, ये सवाल तो किसी ने नहीं किया। भक्तगढ़ के साथ में जो दर्शन करने वाले यात्री लोग हैं, उनके साथ आप लोगों को भी परेशान किया जा रहा है ना? बहुत परेशानी है। यहाँ पे चलान हम लोग का CNG गाड़ी का जो है 18,000 का चलान होता है। क्या हाल है भैया? क्या नाम है? मनोज मिश्रा। मिश्रा जी, एक बात बताइए, कमाई पे असर पड़ा है काफ़ी ज़्यादा जब अयोध्या सीट कमाई BJP ने, और ख़ासतौर से लोग ये कह रहे हैं कि यार दर्शन करने लोग आ नहीं रहे हैं, कुछ गर्मी की भी वजह है, बाकी वैसे भी कुछ हाँ कमाई तो बहुत असर है, बहुत कम हुआ है, काफ़ी दिक्कत है। हाँ, काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, यात्री नहीं मिल रहे हैं आप? हाँ, सही बात, यात्री नहीं मिल रहे। तब में हमें काफ़ी अंतर है पहले की, बहुत सन्नाटा पसरा हुआ है। हाँ हाँ, अंतर है। प्रशासन का रवैया यहाँ बड़ा दुखदा, ये लोग कह रहे हैं भाई प्रशासन बहुत परेशान करता है। हाँ, प्रशासन भी परेशान करते हैं, अंदर जाने नहीं देते। और बाकी वो बस जो है नगर निगम, और वो एक आता है ऑटो, वो आ जाती है अंदर। चलिए, क्या नाम है दोस्त? भैया मेरा नाम है सोहेल अब्बास। सोहेल भाई, एक बात बताओ कि कमाई पर असर पड़ा है? भैया बहुत असर पड़ा है। अभी क्या हालात है? हालात तो ठीक नहीं भैया, सवारी से बहुत परेशान है, जितना बैठा हो ना उससे ज़्यादा नुकसान होता है, 10,000 का चलान होता है, क्या फ़ायदा रिक्शा चलाने से? अच्छा। गलती सबसे पहले हर जगह चेकिंग लगी रहेगी, जब जहाँ जाएंगे वहाँ सवारी मिलेगी, कहेंगे वहाँ रास्ता ही बंद रहता हर जगह। तो प्रशासन की वजह से ही आप लोगों का गुस्सा मुझे लगता है चुनाव में फूटा था, यही वजह आ रहे हैं? जी जी जी, हाँ यही बात है ना। हाँ, कि आप लोग नाराज़ होंगे, खुश होंगे भाई, काम वाम नहीं मिलेगा जब आप लोगों को? नहीं, वो तो भाई दिक्कत होगी। हाँ, क्या लग रहा है जो चुनाव का जो परिणाम आया है, अयोध्या BJP हार गई है, वो प्रशासन की सही वा, काम गलत किया, हार गया, और क्या काम किया? कुछ नहीं किया, गरीबों को परेशान कर दिया है, 10-15 हज़ार का चलान जो रहा, गाड़ी चलने नहीं दे रहे हैं, इधर उधर बड़ी गाड़ी कोई नहीं अंदर जाने दे रहे हैं, बस को अंदर जाने दे रहे हैं, बस से हम लोग को और की दिक्कत हो गई है, बस और VIP लोग के लगे, क्या हम लोग को परेशानी तो दे रहा है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली गंगू तेली आप राजा मुश्किल हो रहे हैं।
राजा भोज राजा लोग आते हैं अंदर, गंगू तेली तो बाहर रहते हैं राजा लोग वहाँ। आपको भाई जी गेट पे जाना पड़ेगा। क्या नाम है भैया ये बताओ? आपको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है? नहीं भैया। तो ये वीवीआईपी और जो बड़ी गाड़ियाँ वहीं सिर्फ जा रही हैं? जी जी। क्या लग रहा है जो चुनाव में हार की वजह रही वो प्रशासन ही रहा है कि जिन्होंने मनमानी की है? क्या तो ये बताओ कि अंदर क्यों नहीं जाने दिया? क्या बताते हैं ये लोग क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? भैया रोक दिए, कुछ बताए ही नहीं। अच्छा, बोल रहे हैं बाहर से जाइए। आइए बात करते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? विक्रांत। ये बताओ कि अभी अंदर क्यों नहीं जाने दिया, क्या वजह रही? क्या बोलते हैं? वैसा बोले कि भैया अभी अलाउड नहीं अंदर जाना। अच्छा। हाँ जी। कुछ गाड़ियाँ तो जा रही हैं, आ रही हैं? कुछ जा रही हैं, सिर्फ हमारे बैटरी रिक्शा जितने चालक हैं इन्हीं सबको परेशान किया जा रहा है। बाकी किसी गाड़ी को इनकी सरकारी ऐसी बैटरी रिक्शा और भी चल रही हैं इसको नहीं रोकते हैं। बाकी हम जितने पब्लिक हैं हमारे ऑटो वाले हैं इनको रोकते हैं, कहीं जाने के लिए मना करते हैं। अगर हमें घर जाना हो तो हम अपने घर पर भी नहीं जा सकते, ऐसा होता है। कभी हम ऐसे फंस जाते हैं जैसे पाकिस्तान में बॉर्डर में होते हैं ना, ऐसा हाल हो जाता हमारा। हम दो दो घंटे ऐसे कहीं फंसे रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। तो ये प्रशासन की वजह से हो रहा है सर? प्रशासन के चक्कर में हो रहा है सारा कुछ। क्यों नहीं, जब भीड़ नहीं है और बाकी कुछ पैसा है नहीं तो फिर क्यों नहीं जाने दे रहे? कोई स्पेशल डे भी नहीं है? कोई स्पेशल डे नहीं है, हमेशा ये आज का नहीं, हमेशा का होता है, भीड़ हो या ना हो। चुनाव में हार की वजह यही रही कि जैसे मनमानी जो चली प्रशासन की? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, वो सही बात है। बट बैटरी रिक्शा वाले जितने थे इन्होंने वोट नहीं दिया इसी चक्कर में, क्योंकि इनके साथ गलत अब प्रभाव हो रहा पड़ रहा था, इस चक्कर में किसी ने इनको वोट नहीं दिया, ज़्यादातर यही रीज़न है इनका। अब बताओ, बोलने कि राम मंदिर होने से आपका यहाँ रोज़गार मिलेगा, क्या रोज़गार खुद ही छीन लिया इन्होंने, क्या रोज़गार मिलेगा बताइए मेरे को? इतना परेशान किया जाता है हमें, हम कहीं जा नहीं सकते, हमारे रास्ते इतने बंद रखते हैं, कहीं जाते हैं गाली दो चार सुनते हैं, डंडे मारते हैं, बताइए। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा होगा। और आइए कुछ प्रशासन लोगों से भी बात करते हैं, मतलब प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर लोग यहाँ पर खड़े हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया सर। सर एक शिकायत है, जैसे मैंने सुना जैसे ई रिक्शा ऑटो वगैरह हैं जैसे कुछ गाड़ियाँ एंट्री कर रही हैं, कुछ को यहाँ पर नहीं जाने दिया। मैंने उन लोगों से बात की और कहीं ना कहीं अयोध्या अभी भी चर्चाओं में है हार की, और लोग ऐसा कह रहे हैं कि प्रशासन के रवैये की वजह से यहाँ पे बीजेपी हारी है और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो काफ़ी इस वजह से निराश हैं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। देखिए सर, यहाँ अयोध्या में काफ़ी देखिए आईडी पूछा जा रहा है, यानी कि पूछताछ हो रही है अगर लोकल आईडी है। सर लोकल आईडी को ही एंट्री दिया जा रहा है क्या यहाँ पर? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, क्या वजह जैसे ये गाड़ी निकल गई? यहाँ अधिकारियों को हमारे आदेश है जी कि जो गाड़ियाँ कोतवाली के अंतर्गत और जीबी थाने के अंतर्गत निवास करती हैं वही गाड़ियों का प्रवेश दिया जाए, बाकी गाड़ियाँ अपने अपने फैजाबाद गाड़ियाँ फैजाबाद चलें जी। लेकिन जब कमाई देखिए, गाड़ी नंबर चेक किया जा रहा है और यहाँ पर जो है इनसे पूछा गया लोकल लोगों को केवल एंट्री हो रही है, तो ये लोकल और यहाँ का क्या मतलब है, मैं समझ नहीं रहा हूँ। अभी सर आपको बताएंगे, बोलिए। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ये वेस्ट चल रहे हैं और पूरी कहानी यही है कि क्यों और किन वजहों से जो है यहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि एक भाई है बस्ती ज़िले के पगल के हैं, वहाँ उनको बाहर कर दिया गया है और लोकल आईडी, मतलब कुल मिला के एंट्री का सिर्फ यही है कि लोकल आईडी दिखाइए, लोकल हैं आप तभी आप वहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। और हमने प्रशासन से बात की, फ़िलहाल वो भी जवाब देने में असमर्थ रहे और कहीं ना कहीं वो हाव भाव देख करके पता चल रहा था कि उनको भी इसकी पूरी जानकारी नहीं है। कैमरामैन चंदन के साथ मैं विवेक।